Hi everyone, let's look at one more interesting puzzle. So the name of the puzzle is Moving Checkers. चेकर्स आप लोगों ने मे भी खेला होगा नहीं खेला होगा, ये चेस बोर्ड पे खेला जाता है, ये एक स्ट्रैटेजी वाला गेम है, स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स जो भी बोलो, बट ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये पजल का नाम मूविंग चेकर्स है। तो देखते हैं, आई एम रीडिंग पजल, प्लीज लिसन केयरफुली। सो प्लेस 6 checkers on a table in a row, alternating them black, white and so on. Leave a vacant place large enough for 4 checkers on the left. Move the checkers so that all the white ones will end on the left, followed by the black ones. The checkers must be moved in pairs, taking 2 adjacent checkers at a time, without disturbing their order, and sliding them to a vacant place. To solve this problem, only 3 such moves are necessary. So what we have to do, we have to place 6 checkers black white. So black ko main डार्क कर दे रहा हूं, कंप्लीटली फिल कर रहा हूं, सो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या बोला है, लीव अ वैकेंट प्लेस लार्ज इनफ फॉर 4 चेकर्स ऑन द लेफ्ट, सो 1 2 3 4। उसके बाद क्या बोला है, मूव द चेकर सो दैट ऑल द व्हाइट वंस विल एंड ऑन द लेफ्ट, मतलब ये जो 3 व्हाइट है ये लेफ्ट में आना चाहिए और जो ब्लैक है वो क्या आना चाहिए, राइट पे। बट इसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस फॉलो करना है। क्या करना है, द चेकर्स मस्ट बी मूव इन पेयर्स, मतलब आप ये दो मूव कर सकते हो या ये दो मूव कर सकते हो, ये दो मूव कर सकते हो, ये दो मूव कर सकते हो या दो मूव कर सकते हो। टेकिंग 2 एडजेसेंट चेकर्स एट अ टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग देयर ऑर्डर, मतलब इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आपने ये दो पिक किया, तो जैसे आप ये दो यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे व्हाइट आना चाहिए। समझ में आ रहा है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओनली 3 सच मूव्स आर नेसेसरी, और आपके पास कितने मूव्स है, 3। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। Now this is the question। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये दोनों मूव कर सकते हो, ये दोनों मूव कर सकते हो, ये दोनों मूव कर सकते हो, ये दोनों मूव कर सकते हो और ये दोनों मूव कर सकते हो, और इनको यहाँ पे आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, जैसे ब्लैक और व्हाइट, तो यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट, या ब्लैक और व्हाइट, या ब्लैक और व्हाइट, जैसे भी करना है। तो आप पॉज द वीडियो और सॉल्व कीजिए। जैसे आपके पास 6 कॉइन्स है, 1 रुपए के कॉइन को ब्लैक मान लो और 2 रुपीज के कॉइन को व्हाइट मान लो, 3 सिमिलर कॉइन्स ले लो, उसके बाद और 3 सिमिलर कॉइन्स ले लो, या कोई भी, जैसे मैंने ये पजल सॉल्व किया था तो मैंने चेस के जो वाइट गोटी होती है और ब्लैक गोटी होती है तो वो यूज़ किया था। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। आई होप यू हैव ट्राइड इनफ नंबर ऑफ टाइम्स, सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहला मूव मैं करूंगा, अब देखो मैं ये वाला जो 2 गोटियां है मैं इसको इधर प्लेस करूंगा, नंबरिंग दे दो, काफी इजी हो जाएगा, 1 2 3 4, उसके बाद 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। अब देखो मैं ये जो सिक्स और सेवन की जो वाइट और ब्लैक है, ठीक है, फाइव पे मैं वैसे के वैसे रख रहा हूँ। अब देखो इसको मैं यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ और यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं देखो यहाँ पे प्लेस करूँगा तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन जो रहेगा ये तीन में से यहाँ पे ही मूव करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे प्लेस करूँगा या यहाँ पे प्लेस करूँगा तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मूव करते हो तो आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, तो ब्लैक उसके बाजू में वाइट, ठीक है, ये ब्लैक वैसे के वैसे, अब ये दोनों मैंने साथ में मूव किए तो ये मेरा जैसे के वैसे साथ में आया वाइट और ब्लैक, ठीक है। ये मेरा कौन सा मूव हो गया, ये मेरा फर्स्ट मूव हो गया, ठीक है। अब बचे कौन से, एट पे वाइट है और यहाँ पे ब्लैक है और टेन पे वाइट, वाइट ब्लैक वाइट। अब आप फिर से पॉज कीजिए और फिर से सोचिए, अब आपके पास बहुत लेस नंबर ऑफ मूव्स है और ये पजल यहाँ से आपका सॉल्व होना चाहिए। ये मैंने एक हिंट दिया है, अगर आप ट्राई कर करके थक गए होंगे तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट मूव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा कौन सा मूव था, फर्स्ट मूव, और ये मेरा सेकंड मूव। अब देखो मैं ये वाला मूव कर सकता हूँ या ये वाला मूव कर सकता हूँ, या ये दोनों भी मूव कर सकता हूँ या ये दोनों भी मूव कर सकता हूँ। अब देखो अगर मैं ये वाला यहाँ पे मूव करता हूँ तो कुछ सेंस बनता है क्या, ट्राई करके देखो। अगर ये वाला मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो कुछ सेंस बनता है क्या, ट्राई करके देखो। उसके बाद ये वाला अगर यहाँ पे मूव करता हूँ तो कुछ सेंस बनता है क्या, ट्राई करके देखो। ये वाला यहाँ पे मूव करता हूँ तो कुछ सेंस बनता है क्या, ट्राई करके देखो। फिर आपको पता चल जाएगा कि किस मूव से सॉल्यूशन आ रहा है। तो आई एम टेलिंग यू द सॉल्यूशन। अब देखो ये वाला अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो कुछ सेंस नहीं बनेगा, ट्राई करके देखना। फिर ये वाला यहाँ पे मूव करता हूँ तो कुछ सेंस नहीं बनेगा क्योंकि वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक ब्लैक आएगा, ठीक है। अब देखो मैं ये वाला जो पेयर है इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाइट, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे क्या है, ब्लैक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एट और सॉरी नाइन और टेन जो है उसको सिक्स और सेवन में मूव कर रहा हूँ। तो ये हो गया ब्लैक, नाइन और टेन सिक्स और सेवन पे मूव कर रहा हूँ। ये हो गया वाइट और एट पे क्या है, वाइट, ठीक है। अब देखो ये ब्लैक 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 तीनों क्या हो गए, एक साथ आ गए, तीनों क्या हो गए, एक साथ आ गए। अब देखो अब आप कौन सा मूव करोगे, ये जो दो है ये मैं इसको इधर ला सकता हूँ पक्का, ये वाले दो को मैं इधर ला सकता हूँ थर्ड मूव में। तो थर्ड मूव में क्या होगा, ये वाले दो को मैं इधर ला दूंगा तो मेरा क्या होगा सॉल्यूशन, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे वाइट, और फोर्थ से ब्लैक, फिफ्थ पे ब्लैक, सिक्स पे ब्लैक, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस पजल को आप ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा मूव्स आप ट्राई कर सकते हो और आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। आई हैव ट्राइड इट एंड काफ़ी मेहनत लगी यहाँ तक आने के लिए, और आई होप कि ये पजल आपको पसंद आया होगा। बिकॉज सारे पॉसिबल ऑप्शंस बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सो मैंने शॉर्ट में इसका सॉल्यूशन बताया। आई होप You liked it. Thank you.